हेलो एवरीवन एंड डेवलपमेंट इश्यूज के इस लेक्चर के अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे एंड सारे लेक्चर्स आपने देखने करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा कॉम्प्रीहेंसिवली डू नॉट वरी एट ऑल कोई एक मैगजीन चाहे आप फॉलो कर लो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके उसके अलावा आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है थ्रू मैं आपको सारा कवर कराऊंगा। लेक्चर्स आते रहेंगे भी मैं देखो करंट अफेयर्स के लेक्चर्स एकदम से सारे डाल के भी कुछ होगा नहीं रिसर्च करके अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे सो यू हैव टू बी अबिट पेशेंट ओके सो बिफोर गोइंग इन टू दैट वी ऑल्सो हैव दिस पीडीएफ फाइल्स एक तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन या जो भी हमारे यूट्यूब पे एफ ए पी एफ सी पी एफ ओ के लेक्चर्स हो रहे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पी डी एफ का डाउनलोड कर सकते हो उसके अलावा वी हैव दिस फाइव हंड्रेड प्लस एमसीक्यू कोर्सेज ठीक है इसमें डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं गैप इंडस्ट्रियल रिलेशन और सोशल सिक्योरिटी के इंडिविजुअली भी आप परचेज कर सकते हो एंड यू कैन ऑलसो परचेज अ कॉम्बो अभी इसके ऊपर जो है ऑफ भी चल रहा है फिफ्टी परसेंट यूपीएससी ईपीएफओ अगर आप कोड यूज़ करते हैं यूपीएससी ई पी एफ ओ कोड यूज करते हैं तो ओके okay? सो लेट अस क्विकली स्टार्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एस एल बी एम सबमरीन लॉन्च बेलिस्टिक मिसाइल ये जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं ना ये तो न्यूज में देखो आती रहती हैं क्योंकि कहीं पर कोई टेस्ट फायर हो गया कुछ भी हो गया तो न्यूज में आ जाती हैं तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो एस से रिलेटेड है पहला स्टेटमेंट है कि ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है ओके फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट दीज आर इंडिजिनियसली एंड सेकंड इज की इसको भारत डायनामिक लिमिटेड ने बनाया एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो बेसिकली पार्ट है एस एल बी एम लाइटर है स्टेलियर है देन लैंड बेस्ड मिजाइल लाइक अग्नि सीरीज मिजाइल और तीसरा है कि इसको कैरी एंड लॉन्च किया जाता है बाय आई एन एस सिंधु घोष ओके सो so आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे यूपीएससी के अंदर करेक्ट इनकरेक्ट में तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो दो है दोस्तों ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट आपका वन एंड सी वन एंड थ्री है देखो इसके अंदर पहली स्टेटमेंट के अंदर जो है ना एस एल बी एम इंडीजीनियस तो है लेकिन इसको भारत डायनेमिक लिमिटेड ने नहीं बनाया तो एक स्टेटमेंट के अंदर कई बार दो पार्ट्स होते हैं एक पार्ट सही होता है दूसरा पार्ट गलत होता है कंफ्यूज करने के लिए तो ये भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है ना ये वाला पार्ट यहां पर गलत है डीआरडीओ ने बनाया ओके दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ये अग्नि जो मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर बेस्ड मिसाइल्स हैं जो लैंड बेस्ड मिसाइल्स हैं उनसे ज्यादा हल्का और है और एस जो है इट इज नॉट लॉन्च बाय आई एन एस सिंधु घोष तो ये आई एन एस सिंधु घोष यहां पर जो है पॉइंट गलत आ जाता है ओके okay, इसीलिए आपका वन एंड थ्री है तो एस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं सो अक्टूबर मंथ में इंडिया का पहला ये इंडिजिनियस स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है और ये जो बेसिकली आई अरिहंत के थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है जो आपका एक सबमरीन है एस जो है इनको के फैमिली ऑफ मिसाइल्स भी बोला जाता है ये याद रखेंगे एस एल बी एम के फिफ्टीन इसको यूज किया गया था इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए और इसको बी जीरो फाइव या सगारी का भी बोला जाता है इंडिजीनियसली डेवलप किया है डी आर डी ओ ने पहला पॉइंट इसीलिए गलत था क्योंकि वहां पर देखो क्या लिखा था वहां पर लिखा था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड इसीलिए पहला पॉइंट गलत था इंडिजीनियस तो है इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जाता है लाइटर है कॉम्पैक्ट है स्टिल देयर है अग्नि के मुकाबले एंड 750 किलोमीटर का रेंज है रेंज भी याद रखिएगा कई बार वो पूछ लेता है आईएनएस अरियंत के बारे में भी थोड़ा सा जान ले कि ये आईएनएस एस अरियंत जो है इंडिया का पहला इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड बेलिस्टिक मिसाइल कैपेबल सबमरीन है 2009 में इसको लॉन्च किया गया था प्रोजेक्ट को और 2016 में इसे कमीशन किया गया था इस सर्विसेज के अंदर एंड इसको बेसिकली बिल्ड किया गया था एक प्रोजेक्ट के अंदर जिसका नाम था सिक्रेटिव एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट नाइनटीन के अंदर प्रोजेक्ट बेसिकली शुरू हुआ था फाउंडेशन हुई थी एंड इस प्रोजेक्ट के अंदर और भी सबमरी डेवलप की जाएंगी एंड ये जो सबमरी है इनको क्या बोला जाएगा स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक न्यूक्लियर ओके सो बेसिकली एक बिलो द वॉटर इंडिया की कैपेबिलिटी है टू लॉन्च द सबरीन मिजाइल्स ओके सो नाउ वी कैन लॉन्च आर न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम एनी वेयर वी कैन लॉन्च इट फ्रॉम लैंड हम पानी से लॉन्च कर सकते हैं अबव वॉटर लॉन्च कर सकते हैं बिलो वॉटर से लॉन्च कर सकते हैं बाई एयर लॉन्च कर सकते हैं ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल बैंकिंग अक्टूबर के अंदर न्यूज में था एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए पहला स्टेटमेंट है कि पेपरलेस कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल बैंकिंग सर्विसेस है ये दूसरा है कि इट इज मैंडेटरी फॉर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स टू हैव फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तीसरा है कि रीजनल रूरल बैंक्स पेमेंट बैंक्स एंड लोकल एरिया बैंक्स आर आल्सो एलिजिबल टू स्टैब्लिश डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस केस में पहला पहला और तीसरा पहला और दूसरा पहला दूसरा तीसरा तो देखो पहला तो मतलब करेक्ट है ही एनी केस क्योंकि सारे ऑप्शन में बनना है ओके तो अपने को यह देखना है कि टू और थ्री में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है कौन सा सही है द राइट आंसर का इज इज ऑप्शन सी वन एंड टू ओनली सी ऑप्शन जो है वो गलत है क्योंकि आर आरबी पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक एलिजिबल नहीं है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को इस्टैब्लिश करने के लिए सो so, 16 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले पचहत्तर डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को लॉन्च किया था सेवेंटी फाइव डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो डी थे इसको फाइनेंस मिनिस्टर ने दो की जो बजट स्पीच थी उसके अंदर बेसिकली अनाउंस किया था और डीबी जो है इसकी जो सेटिंग अप है ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है और आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन आ जाता है और जो कॉमर्शियल बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कॉमर्शियल बैंक जो आर हैं है पेमेंट बैंक है या लोकल एरिया बैंक है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ओके okay? एंड वो बैंक इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है एंड ये टीयर वन टू टीयर सिक्स के अंदर बैंक्स जो हैं इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को खोल सकते हैं ये एक तरीके से बैंकिंग सर्विसेज जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज हैं उनको एक्सटेंड करने के लिए उनकी रीच बढ़ाने के लिए है ये बेसिकली क्या होंगे एक तरह से स्पेशलाइज्ड यूनिट्स होंगे जिनको विलेजेस में या रिमोट एरियाज में खोला जाएगा मिनिमम एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जिससे डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को आप कॉर्नर तक लेकर के जा सकते हो कंट्री के और जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको आप स्प्रेड आउट कर सकते हो ओके okay? सो so, इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है इससे बाहर ज्यादा इसमें क्वेश्चन आने वाला नहीं है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ये कुछ स्टैटिक एरियाज हैं जो अक्सर नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहते देखो न्यूज में रह नहीं रहना है इस बॉडी ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रेफरेंस में ये न्यूज में आ जाता है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है सो so, आपको नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड स्टेटमेंट कंसिडर करना है पहला है कि इट इज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट दूसरा है कि रिव्यू एंड अप्रूव प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ठीक है पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से रिलेटेड एडवाइस पास करती है सरकार को दूसरा कहता है कि जो भी नेशनल पार्क या सेंचुरीज के आसपास प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको रिव्यू करना और उनको अप्रूव करना इसका काम है तीसरा कहता है कि जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट है वो इसके चेयरमैन होते हैं आपको बताना है अगेन कौन सा स्टेटमेंट यहां पर आपका करेक्ट है ओके okay, तीसरा है पहला और दूसरा पहला और तीसरा या तीनों राइट right आंसर है दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड ओनली पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि यहां पर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट नहीं आएगा यहां पर प्राइम मिनिस्टर आएगा ओके सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के बारे में जाने इसको ये एक स्टेटुटरी ऑर्गेनाइजेशन है स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है जिसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया गया है ठीक है पार्लियामेंट में एक्ट पास करके उसको बनाया है तो वो उसको हम बोलते हैं स्टेटूटरी बॉडी तो एनबीडब्ल्यू एल किस एक्ट के अंदर इसकी फॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यह भी वो पूछ सकता है कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को किस एक्ट के अंदर फॉर्म किया गया प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं एडवाइजर ही होता है इसका नेचर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को वेरियस पॉलिसीज मेजर्स के अंदर एडवाइस करती है साथ ही साथ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के इन एंड अराउंड अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है या उसकी बाउंड्री को अल्टर किया जा रहा है तो वो जब तक आपका नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव नहीं करता तब तक उसको आप नहीं अल्टर कर सकते या कोई प्रोजेक्ट वहां पर आप नहीं स्टार्ट कर सकते हो फोर्थ क्वेश्चन ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म न्यूज में कई बार दिखता है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म ऑप्शन ए इंटरपोल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सी आईएमएफ डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दैट विल भी ऑप्शन ए इंटरपोल ग्लोबल स्टॉप पेमेंट मैकेनिज्म जो है ये इंटरपोल का है इंटरपोल ने इसको डेवलप किया है ये बेसिकली एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है एंड बेसिकली मेंबर कंट्रीज इसको यूज करते हैं जो साइबर एनेबल्ड फ्रॉड्स है ना और जो क्रिमिनल फ्रॉड्स हैं उससे जो पैसा लूटा गया उसको रिकवर करने के लिए इसी के साथ साथ इंटरपोल एक रिपोर्ट भी रिलीज करता है इसको भी याद रखिएगा ग्लोबल क्राइम ट्रेंड रिपोर्ट ये भी इंटरपोल uh, रिलीज करता है और इस रिपोर्ट के अंदर रिसेंटली हाईलाइट किया गया था कि ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन एंड अब्यूज उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज जो है वो देखा गया है ओके नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स ये दो चार महीने में न्यूज में कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस आ जाता है स्टेटमेंट नंबर वन कहता है कि इट इज डेवलप्ड फॉर द रिक्रिएशन ऑफ एंशियंट सिटी ऑफ लोथाल ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन अंडर द सागरमाला स्कीम कि भैया एक लोथाल करके सिटी होती थी इंदस वैली सिविलाइजेशन में उसको डेवलप करना है और ये सागरमाला स्कीम के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये जो नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है इसको जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो डेवलप करेंगे आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay.

एन एम एच सी डेवलप्ड एज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कंट्री इज अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी डेवलप बाई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटर वेज तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स अंडर सागरमाला स्कीम इसको डेवलप किया जाएगा एंड यूनिक फीचर इसका होगा लोथाल सिटी का रिक्रिएशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसके अंदर फेसिलिटेशन जो है करेगी हेल्प करेगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स को फंड रेजिंग के लिए थ्रू द नेशनल कल्चर फंड जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसको कोलेबोरेशन भी प्रोवाइड करेगा ताकि दूसरी कंट्रीज के साथ यहाँ पर हम लिंकअप कर सकें इस प्रोजेक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक प्रोजेक्ट चलता है प्रोजेक्ट मौसम उसके अंदर ये कोलेबोरेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी लेकिन आपने मेनली इसके अंदर क्या करना है कि एक तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का कोलेबोरेशन याद रखना है रिक्रिएशन ऑफ लोथाल याद रखना है और नेशनल कल्चर फंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है उसको यूज करके अल्टीमेटली इसको डेवलप किया जाएगा तो ये तीन चार बातें इसके अंदर याद रखनी है अच्छा अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं तो वो कमेंट में आज बता देना यार इस लेक्चर के कि सर थोड़ा सा स्लो कर दो तो स्पीड को थोड़ा स्लो कर देंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर आ जाओ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रा से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रा नंबर वन है कि ये एक डेडिकेटेड मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी लोगों को ठीक है अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर अच्छी दवाई सस्ते दामों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देख रहे हो मैं हर क्वेश्चन के अंदर सर्कल या अंडरलाइन कर रहा हूं करेक्ट या इनकरेक्ट को ये सेम प्रैक्टिस आपने अडॉप्ट करनी है अपने एग्जाम के अंदर ठीक है हर क्वेश्चन में आपने अंडरलाइन कर लेना है कि आपसे करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट पूछा गया है सो so, यहां पर ये रहे आपके ऑप्शन विच ऑफ द अब स्टेटमेंट गिवन अब इज आर करेक्ट वन ओनली टू ओनली बोथ वन एंड टू नीदर वन किसान समृद्धि करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास के बारे में देखो प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में ये 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रास लॉन्च किए थे कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे था okay, आपको आपके क्वेश्चन में. Okay, तो ये basically क्या काम करेगा इसका काम होगा फर्टिलाइजर शॉप खोलने का दवाइयों की नहीं बात हो रही है यहाँ पर फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है जो आपके एग्रीकल्चर में यूज होगा तो अराउंड थ्री पॉइंट टू फाइव लाख से ज्यादा फर्टिलाइजर शॉप को डेवलप किया जाएगा पूरे देश के अंदर इन सेंटर्स के अंदर क्या होगा फार्मर्स फर्टिलाइजर्स और सीड्स तो बाय कर ही पाएंगे उसी के साथ साथ और भी वेरियस इंप्लीमेंट्स जो सॉइल टेस्टिंग के लिए यूजफुल होते हैं या जो वेरियस टूल्स होते हैं उसको भी वो हासिल कर पाएंगे इन फार्मिंग सेंटर्स के ऊपर साथ ही साथ जो नई फार्मिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी इनको यहाँ पर दी जाएगी तो एक तरीके से फार्मर्स के अंदर उनको मटेरियल तो प्रोवाइड करेगा ही सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी का साथ ही साथ एक अवेयरनेस क्रिएशन का काम भी करेगा फार्मर्स को वेरियस जो स्कीम्स होंगी रिलेटेड टू द फार्मर्स जो सरकार शुरू करेगी उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सरकार फार्मर्स को यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर फैसिलिटी ये एक पेमेंट गारंटी मैकेनिज्म है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली स्टार्ट किया था ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अच्छा क्वेश्चन है फैक्चुअल क्वेश्चन है एंड सोलर एनर्जी कुछ ऐसा चीज है जो इंडिया काफी ज्यादा प्रोएक्टिव है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इसको प्रमोट करने के लिए आंसर है यहां पर आपका बेटा ऑप्शन बी इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका फाउंडर इंडिया है तो बेसिकली सोलर फैसिलिटी के अंदर क्या है क्योंकि जो सोलर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें बैंक्स वगैरह फाइनेंसिंग करने में बड़े डरते हैं कि पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा तो सोलर फैसिलिटी एक तरीके से बैंक्स को एश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करेगी ताकि सोलर फैसिलिटीज जो डेवलप हो रही है उनको इजी फंडिंग मिल सके एंड दे कैन डेवलप ओके चलिए एर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे एर्थ क्वेश्चन है मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड जो मेल है इससे रिलेटेड आपको एक

जो लॉन्ग स है जिसको शॉर्ट में मेल बोलते हैं पर इसको डेवलप किसने फॉर एक्सटेंडेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट आवर्स और इसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है एंड ये अपने ट्रायल्स ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी तक जो है प्लान uh, है कि कंप्लीट कर नेक्स्ट क्वेश्चन वाइजर प्रोग्राम के बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है वाइजर प्रोग्राम पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये हेल्प करेगा वुमेन को इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू लेटरल एंट्री ठीक है वेरियस प्रोग्राम्स के अंदर दूसरा इसको इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने लॉन्च किया है तीसरा सिर्फ 18 से 30 वर्षीय जो महिलाएं हैं वो एलिजिबल हैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्शन है वन एंड टू ओनली पहले दो स्टेटमेंट्स ठीक हैं तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि ये एज वाला कुछ इसके अंदर फंडा है ही नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी ओके एज लिमिट वाला कोई सीन नहीं है इसमें तो देखते हैं वाइजर प्रोग्राम के बारे में फुल फॉर्म है वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम ये भी याद रखेंगे फुल फॉर्म अच्छे से बेसिकली वुमेन रिसर्चर्स को एनकरेज करने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में ताकि वो जो ऑन गोइंग डेवलपमेंट और इनोवेशन के जो प्रोजेक्ट हैं प्लस आई इज फॉर इनोवेशन वो इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकें ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकें ठीक है पहला अपने आप में ये इस तरह का एक प्रोग्राम है कोई एज लिमिट नहीं है प्रेफरेंस दी जाएगी अर्ली और मिड करियर रिसर्चर्स को लेकिन एज लिमिट वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का ये प्रोजेक्ट है एंड इसके अंदर जो ग्रांट दिए जाएंगे वो तीन साल या जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता एवर इज अर्लियर उतने पीरियड के लिए होगा तो मैक्सिमम तीन साल के लिए इसमें बेसिकली ग्रांट जो है वो वुमेन साइंटिस्ट को या रिसर्चर्स को दिए जाएंगे फाइनल क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ इस लेक्चर के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वन हेल्थ ज्वाइंट एक्शन प्लान पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये एक 10 साल का एक्शन प्लान है 2022 से 2032 तक टू सस्टेनेबली बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स एंड इकोसिस्टम सिस्टम की हेल्थ को हम सिर्फ ये ना कंसीडर करें कि ह्यूमन हेल्थ जब भी हम बात करते हैं एनवायरमेंट्स की भाई इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो हम कहते हैं ह्यूमन हेल्थ खराब हो रही है, है से तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट ह्यूमन हेल्थ बट ऑल्सो वी हैव टू कंसिडर एनिमल्स प्लांट एंड इकोसिस्टम क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है WHO और वर्ल्ड बैंक का ज्वाइंट इनिशिएटिव है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अगेन वन ओनली टू ओनली बोथ नन सो राइट आंसर यहां पर है आपका ऑप्शन डी दोनों स्टेटमेंट गलत है पहली बात तो इसको लॉन्च किसने किया है ये सब ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर आपकी एफ एओ है यूनेचओओ है एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है एंड वन हेल्थ इज एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच दैट एम्स टू सस्टेनेबली बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ द्यूमन एनिमल्स प्लैनेट एंड इकोसिस्टम स्टेटमेंट नंबर वन में गलत क्या था 2022 से 2032 वाला इसके अंदर कोई सिनेरियो नहीं है ओके सो दैट वाज रॉन्ग बाकी दो स्टेटमेंट्स जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन uh, भी मैंने आपको बता दिया कि गलत थी तो इसी वजह से उसका आंसर निदर था ओके वी हैव वन मोर क्वेश्चन गाइस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू मिशन डेफ स्पेस नंबर वन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन इज टू प्रोटेक्ट स्पेस फ्रॉम मिलिटराइजेशन कि भाई मिलिटराइजेशन नहीं होनी चाहिए स्पेस की आजकल देखते हो ना आप बहुत सारी डिफेंस सैटेलाइट कंट्रीज भेज रही हैं ओके तो उसको रोकने के लिए है ये दूसरा स्टेटमेंट कहता है मिशन प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू ऑपरेट इन इंडिया डिफेंस स्पेस सेक्टर ओके कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इंडिया के डिफेंस स्पेस सेक्टर के अंदर काम कर सके आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखो जो दोनों स्टेटमेंट है ना दोनों स्टेटमेंट सपोजिंग है न, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मिलिटराइजेशन रोकना है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को इंडिया के डिफेंस स्पेस सेक्टर में लेकर के आएंगे ठीक है एक तरफ रोकने की बात हो रही है और एक तरफ इंडिया के डिफेंस स्पेस सेक्टर की बात हो रही है तो दोनों ऑपोजिट है यानी कि दोनों तो करेक्ट हो ही नहीं सकते ठीक है तो बोथ वन एंड टू कैन नॉट बी करेक्ट ओके अब या तो ये हो सकता है कि वन ओनली है या टू ओनली है या नीदर वन नॉट टू है यहां पर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी टू ओनली डेफ स्पेस जो प्रोग्राम है ये इंडिया के अंदर शुरू किया गया ताकि डिफेंस फोर्सेस के जो स्पेस डोमेन के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप किए जा सके ठीक है ये कोई ऐसा शांति वाला प्रोग्राम नहीं है कि भाई डिफेंस से स्पेस में मिलिटराइजेशन ना हो इंडिया कह रहा है कि हाँ भाई बाकी सब देश कर रहे हैं तो हमको भी अपनी स्पेस डिफेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेंगी एंड इसी के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज को भी एनकरेज किया जाएगा कि वो पार्टिसिपेट करें और नए सोल्यूशन जो है वो डेवलप करें इसीलिए आपका स्टेटमेंट नंबर वन गलत हो जाता है क्योंकि ये बेटर सोल्यूशंस डेवलप करने के लिए है इंडिया की डिफेंस फोर्सेस के लिए स्पेस सेक्टर के अंदर ना कि उसको रोकने के लिए ओके एंड दिस वाज़ द लास्ट क्वेश्चन गाइस विद दिस वी कम टू द एंड मजा आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार ठीक है एंड शेयर भी कर देना एंड पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में यून you हो know. कोई भी डाउट हो कमेंट करो मेल करो या व्हाट्सएप करो टेलीग्राम भी कर सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन में चिंग द नेक्स्ट क्लास टिल देन टेक केयर एंड बाय